राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जल को झुंझुनू। और झुंझुनू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के अंदर काल रविवार ने जो का वो लगभग सुबह 10:30 बजे झुंझुनू की जगह डिस्ट्रिक्ट जेल है के अंदर गोली लागने से एक हेड कांस्टेबल की मौत बनकी होगी। और बता दू की जगह कोतवाली का जगह इंचार्ज है राम मनोहर जी, बना बताया की बनकर सूचना मिली की जेल के अंदर जो गोली चलने से एक मौत हुई है। तो मैं बड़े पूछे और पूछ के देखियो की रिवॉल्वर से जो वो सिर के अंदर गोली लागी है और सिर के अंदर छेद भी गोली को हो और भी वजह से जो वो बनकी मौत होगी। और बताया जाएगी कृष्ण कुमार जी उनको नाम हो और वे जगह हथियार खानों का मुख्य प्रभारी बे हा। और जब आवाज आई अंदर से तो 12 जगह दो सिपाही खड़े हा। वे जाके देखियो तो पतो लागो कि गोली बनकर लागी है। और माने भी के बाद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में डॉक्टर जगह माने मृत घोषित कर दिया। और ये जो को बताया गया कि सुसाइड है या फिर कोई हथियार की रख रखाव या फिर साफ सफाई के दौरान यह गोली चली है, इस चीज की जांच है वह पुलिस अभी कर रही है। और बताया गया कि कृष्ण कुमार जी जगह पे 10 बजे ड्यूटी पर आया और कृष्ण कुमार जी जगह पे जेल के अंदर जो क्वार्टर बन रहे हैं बड़ कंदरी पे रिया करता है। 10 बजे से लेकर शाम का 6 बजे तक उनकी ड्यूटी ही और सुबह 10 बजे वे जेल के अंदर आवे ही। अभी के बाद में मुख्य दरवाजे पर कुछ देर काम करी, अभी के बाद में लगभग 10:30 बजे के करीब को जो टाइम रहे कि रजिस्टर रखने के लिए हथियार खाना के अंदर जाए ही और बठे जो को है वो गोली चलने की आवाज आवा है। और बाहर जगह दो सिपाही ही वे अंदर जाके देखी ही तो पतो लगा है कि सिर के अंदर बढ़ के गोली लागी और पूरे फर्श के ऊपर जो है वो खून बिखरे पड़े हो। और हॉस्पिटल जाने के बाद में ये चीज पुष्टि हुई चीज की बड़की जगह पे मौत हो चुकी है। और झुंझुनू जेल DSP प्रमोद कुमार जी बताया कि वे जगह ही वे कृष्ण कुमार जी अक्टूबर 2021 से जेल के अंदर में तैनात था और माने हथियार खाना का जगह प्रभारी होने की वजह से उनको हथियार खाना के अंदर आनो जानो उनको रिहा करते हो और मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ भी बताया जा रहे हैं। बताया गया कि माने न तो कोई शिकायत थी और न बनकर खिलाफ जगह है वो कोई शिकायत हुई, यानी कि आपकी जगह ड्यूटी ही अभी बखूबी किया करता। यू एक जांच को विषय है कि क्या वजह हुई है और जांच होगी तो अपन बिल्कुल चीज को बारे में पता लगा होगा कि क्या वजह से जो है वो ये हादसा हुआ है। लेकिन भी हादसा की वजह से जो है उनकी मौत जरूर होगी है। हथियार खानों को जो आपातकालीन के लिए हुआ है और भी अंदर हर तरह की राइफल ही पिस्टल ही वे सब हथियार भी हथियार खाना के अंदर हुए हैं। और बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार जी जगह पे 2003 का बेस का हेड कांस्टेबल बहा और वे सिसर के अंदर गांव आवा है जोहारपुरा का बहा और झुंझुनू का जो जेल है झुंझुनू की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वी के अंदर ही क्वार्टर के अंदर भी रिया करता है। और सुबह 10:30 बजे जो है वो दुर्घटना माना आफा भी नहीं फिर माना वो तो जांच को विषय है लेकिन बड़ी किसी की मौत होगी। तो एक बड़ी खबर यह है थाने के लगा के अंदर की जांच होगी पता लगा होगा की एक अंदर एक्चुअल में हो है। लेकिन अगर साफ सफाई के दौरान भी अगर हादसा हुआ है वो भी गलत है क्योंकि इससे कोई की जान चल जाए तो कौन सी सावधानी जगह ही पे बरतनी चाहिए। प्रशासन ने साथ में बताया की जगह अपना जगह जवान ही बन रहे हादसा है वो रिपीट नहीं हो सके। माने के बड़े जरूर बताओगा। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक ले राम राम।